हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अडोर इजी लर्निंग। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेंटेंसेस ऑफ डूज। डूज का मतलब होता है ऐसा करना चाहिए या ऐसा करें। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सेंटेंसेस ऑफ डोंट। डोंट का मतलब ऐसा नहीं करना या ऐसा मत करो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे डूज से रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी कि हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा करो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब वीडियो को एंड तक देखिए और साथ के साथ सभी सेंटेंसेस का अभ्यास भी कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, जितना हो सके माँ साफ लिखो। राइट एज नीटली एज यू कैन। राइट एज नीटली एज यू कैन। अगला सेंटेंस है, पुस्तक पढ़ते समय हाथ हमेशा साफ रखो। हैंडल अ बुक विथ क्लीन हैंड्स। हैंडल अ बुक विथ क्लीन हैंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, सड़क के बाईं ओर चलो। कीप टू द लेफ्ट। कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेहनत करने की आदत डालें। बी हार्ड वर्किंग, या फिर इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं कल्टीवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। कल्टीवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। कल्टीवेट का मतलब होता है विकसित करना या उत्पन्न करना या किसी चीज की आदत डालना। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमेशा मूर्खों को अपने से दूर रखो। ऑलवेज कीप द इडियट्स ऑफ। ऑलवेज कीप द इडियट्स या फूल्स ऑफ। बड़ों से सम्मान पूर्वक बात करो। टॉक रेस्पेक्टफुली विद एल्डर्स। टॉक रेस्पेक्टफुली विद एल्डर्स। रेस्पेक्टफुली मीन्स सम्मान पूर्वक और एल्डर्स का मतलब जो हमसे बड़े हों। सुबह जल्दी उठा करो। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या हम गेट अप की जगह वेक अप का यूज भी कर सकते हैं, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने मतभेदों को भुला दो। सिंक द डिफरेंसेस। सिंक द डिफरेंसेस। अगला वाक्य है, सुबह शाम सैर के लिए जाया करो। Go out for a walk in the mornings and evenings. Go out for a walk in the mornings and evenings. Next sentence है, दोनों वक्त खाने के बाद दांत साफ किया करो। Brush your teeth after both the meals. Brush your teeth after both the meals. Next sentence है, अपने झगड़े निपटाओ। Patch up your disputes. Patch up your disputes. Disputes का मतलब झगड़े। सीधे खड़े रहो, झुको मत। Stand upright, don't bend. Stand upright, don't bend. Next sentence है, अपनी आदतें सुधारिए। Mend your ways. Mend your ways. Mend मतलब सुधारना। अपने से बड़ों का कहना मानो। Obey your elders. Obey your elders. Obey का मतलब कहना मानना। समय पर काम करो। Work on time. या हम इसकी जगह कह सकते हैं be punctual. Work on time. Be punctual. खाना पूरी तरह चबाकर खाएं। Chew your food properly. Chew your food properly. Chew means चबाना। Properly means सही ढंग से या सही तरीके से। मजबूती से पकड़ो। Hold firmly. Hold firmly. अपने से छोटों से प्यार करो। Love your youngers. Youngers means छोटे। सदैव सच बोलो। Always speak the truth. Always speak the truth. अपने बराबर वालों का आदर करो। Give due regards to your equals.